एक विशेष संदेश मैं देना चाहता हूँ। आप सभी को पता है कि दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने में क्रिश्चियन क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है क्रिसमस का मतलब सेंटा क्लॉज, क्रिसमस का मतलब केक और मिठाई। लेकिन क्रिसमस की सच्ची कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप 2 मिनट यहाँ ध्यान देंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा संदेश आप सुन सकते हैं। ये दुनिया को देख सकते हैं, दुनिया में बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे पाप हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को नफरत कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, चोरी हो रही है, गलत काम हो रहा है। अगर इस सभी का कारण क्या है, अगर आप देखेंगे बाइबल कहती है कि इंसान अपने रिश्ते को तोड़ दिया है और वो परमेश्वर से दूर हो गया है। परमेश्वर से उसका रिश्ता टूटने के कारण इंसान पाप में चला गया, श्राप में चला गया, और पाप के कारण हम सभी लोग दुनिया में बहुत सारे दुख को झेल रहे हैं। और इंसान पाप से आजादी पाने के लिए बहुत कुछ करके देखता है, लेकिन उसे आजादी नहीं मिलती है। मेरे प्रियो, इंसान से कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए परमेश्वर खुद 2020 साल पहले खुद मनुष्य बनकर जन्मा। जी हाँ, उसका नाम है यीशु। 2000 साल पहले यीशु आपके लिए और मेरे लिए इस दुनिया में जन्मा। आप इस प्यार के बारे में क्या कहेंगे कि जब हम पापी थे, यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दे दिया। यीशु मसीह के बलिदान से आप आजाद हो सकते हैं। और 2020 साल पहले यीशु मसीह का जन्म इसी कारण हुआ, और इसी कारण की वजह से हम आपके पास आए हैं एक संदेश को लेकर। अगर आप यीशु के बारे में और जानना चाहते हैं, देखिए आपके हाथ में एक पर्ची मिलेगा, उसको पढ़िए, यीशु के बारे में जानिए और यीशु आपको जिंदगी देगा। क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे अलावा आपको अनंत काल की जीवन नहीं है। तो आइए यीशु के पास अनंत काल जीवन पाइए, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैरी क्रिसमस।